हे गाइस, वेलकम टू आज का न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें देखने का आपको नहीं मिलेंगी अब, क्योंकि मेरा भाई बहुत जल्द यहाँ से जाने वाला है। और कल का ब्लॉग देखा होगा तो आप सभी को तो बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने कैसे इंजॉय करा है ट्रेन और हरिद्वार में, जब कैसे आए हैं कैसे नहीं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं महादेव के पास, नीलकंठ ऊपर के रास्ते जाएंगे भाई, पहाड़ पर पूरा, ठीक है। तो आज तो और मज़ा आने वाला है, तो आज का ब्लॉग मस्त लगेगा देखना। तो मिलते हैं अभी राम झूले के पास, चलते हैं राम झूले के पास, क्योंकि हमें टेम्पू मिल नहीं रहे यहाँ से, पैदल पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कब मिलेगा टेम्पू और कब नहीं। तो ये चेक करिए सुबह सुबह भाई, धूप मिल रही है मस्त वाली। तो बस जल्दी चलते हैं। फाइनली हम लोग टेम्पू से उतर कर आ चुके हैं आज अपने लिए एक टी शर्ट लेने, क्योंकि महादेव जी के पास जा रहे हैं तो हम लोग को वैसी टी शर्ट लेनी पड़ेगी ना, तभी तो खुश होंगे। तो फिर से हम त्रिवेणी घाट के बाज़ार में आ चुके हैं और यहीं पर हम लोग को टी शर्ट मिलने वाली है। तो देखते हैं, 3 टी शर्ट 4 टी शर्ट लेंगे और आज का ब्लॉग ना बहुत ही बिल्कुल तबाही मचाएगा भाई, खतरनाक। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी ना दुकानें हैं, क्या ही कहें। हम लोग अपनी जगह पर आ चुके हैं और नीलकंठ की गाड़ी ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं, देखते हैं नीलकंठ लेकर जाएंगी या नहीं, तो पूछते हैं। चल जाए भाई जल्दी, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए भाई, 12 बजने वाले हैं, और वहाँ पर भी ना लाइन लगानी पड़ेगी भाई दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं, ये तो भाई 300 रुपये कह रहे हैं, और 200 रुपये से ज़्यादा मत देना, 250 मानते हैं ठीक है यहाँ से। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। भाई फाइनली पैसों को लेकर बहस चल रही है यहाँ पर, 300 200 300 200 हो रहा भाई यहाँ पर, गए हैं लोग पैसे पूछने के लिए, और देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। हम लोग राम झूले के पास आ चुके हैं और ये चेक कर लियो भाई साहब, बहुत ही ऊँचा है, और जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि आज आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, जाएंगे नीलकंठ। तो ये चेक करें भाई, यहाँ नाना लगता हुआ जा रहा है, वो लोग आगे चले गए, हम 2 बंदे पीछे छूट गए, हम लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे ना इस वजह से। अगर आपको ना यहाँ पर गोवा में जाना है ना, तो गोवा मत जाओ, ऋषिकेश आओ। ये है ऋषिकेश का गोवा बीच, यहाँ से जितना एरिया आपको दिख रहा है ना, ये ऋषिकेश का गोवा बीच बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा बंदों को। फाइनली आप सब देख सकते हैं, तुम्हारा भाई जंगलों के बीच में से निकल रहा है नीलकंठ जाने के लिए, और ये रहे हमारे पहाड़ सामने देख लीजिए। और भाई फाइनली छोटा मोटा ही जंगल था, हम लोग निकल कर आ चुके हैं, अभी आगे भी ऐसा ही है, फिर उसके बाद जाके यहाँ पर रोड आएगा, फिर हम लोग नीलकंठ मंदिर ऊपर जाएंगे। यहाँ पर ऊपर है भाई साहब, आज तो बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे हम। और चलते चलते हम लोग ना 2 घंटे हो चुके हैं, फिलहाल 1 बजने वाला है, तो बस जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पर भाई, तो भाई फाइनली हमारे राजा भाई की गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, और यहाँ पर 2 हैं, और आगे मैं आपको मिलाता हूँ। और इसकी मम्मी से ना कहने वाला हूँ ना, इसने फौरन लड़की ना भाई कसम से ना सेट कर लिया यहाँ पर आने के बाद, और उसके साथ ही घूमने जा रहा है, उसको आगे भेज दे रहा है और खुद पीछे जा रहा है। तो चेक करिए भाई, हमारे पीछे है ना जो ये इस बंदे की देख रहे हैं बाबा, देखना भाई, देख ही रहा है, डर लग रहा ना, इससे घर से बोल देंगे, कैप्चर तो हो गई है भाई वीडियो। तो भाई फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, 200 रुपये किराया लग रहा है, और यहाँ से ना बेटा खत्म हो गई, गिरा दूँ पीछे तक, ग्रुप बनाकर बैठाए गए 4-4 बंदों का, ठीक है। तो हम 2-3 आ गए हैं, 4 पीछे 4 पीछे, मतलब ये कब खुलेगी कब। भाई फाइनली हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और आ गए हैं नीलकंठ, यहाँ से भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, और ये देख रहे हो भाई सबसे ज़्यादा ऊपर हम लोग आज आए हैं। यहाँ पर भाई दिल धुक 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 कर रहा है,
तो जल्दी जल्दी चलते हैं। हम लोगों को एक घंटा बस समय मिला है और देखते हैं एक घंटे में घूम पाए। चलते चलते हम लोगों को थोड़ी देर और हो गई और हमने यहाँ पर देखा है ना, जो सामने आपको दिख रहे हैं ना वो सीढ़िया जैसी, वहाँ पर ना खेती होती है भाई, कसम से यार, पहाड़ों के ऊपर भी खेती होती है। तो पता नहीं कितनी दूर है यहाँ से और नीलकंठ जी का मंदिर, देखते हैं चलते हुए। तो हम लोग जा रहे हैं भाई, फाइनली हम लोगों ने थाली वगैरह जो है ना ले ली है, हमारी थाली, और चलते हैं देखते हैं यहाँ से मंदिर कितना दूर है कितना दूर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई को पता नहीं है। तो आज करेंगे दर्शन, ठीक है। यहाँ पर ना नीलकंठ जी का ना नाम नीलकंठ इसलिए पड़ा था ना, क्योंकि यहाँ पर ना शंकर जी ने विष पी लिया था, जहर बोले तो जहर, इस वजह से यहाँ पर नीलकंठ इनका नाम पड़ा है। और ये है इनकी थाली। चलते हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर आ चुके हैं आगे, और यहाँ से अब सीढ़ियाँ उतरनी है, सीढ़ियाँ चढ़नी ही उतरनी है, और यहाँ पर लाइन वगैरह भी लगी हुई है। आप कितनी बड़ी लाइन है, आप बहुत बड़ी लाइन है पीछे। देख रहे हो कितनी पीछे तक भीड़ है, ऐसा नहीं लग रहा है आज नंबर आने वाला है, मुझे शाम हो जाएगी नंबर में लगते लगते, हाँ इतनी भीड़ है। तो भाई फाइनली हम लोग लाइन में लग चुके हैं और हमारे पीछे कोई है ही नहीं, सब आ गए सबसे पीछे हम लोग। देखते हैं कब तक नंबर आने वाला है, एक मिनट या इधर से आ जाओ भाई, 2 बज गए और देखते हैं कितने बजे तक दर्शन होगा और कितने बजे तक नहीं। आज तो भैया हालत बेकार होने वाली है भाई। फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और देखो भाई साहब, जय भगवान की जय, फाइनली यहाँ पर देख लो। तो भाई फाइनली हम लोग जल चढ़ाकर आ चुके हैं और इतना भीड़ है ना, चेक कर लो पति का तो वेट करेगी ना भाई, बहुत तबाही सीन था, मतलब तबाही इतनी भीड़ थी ना, यहाँ पर कलावा बांध देते हैं। चलते भाई, फाइनली हम लोगों ने धूप अगरबत्ती सब जला ली, और ये आपको पानी जो दिख रहा है ना, मैं दिखाता हूँ पास से, जो पानी दिख रहा है ना ये सब जो बंदे जल चढ़ा रहे हैं ना वही है। तो अपना थोड़ा हाथ पैर, भाई फाइनली हम लोगों ने अपना जो है सर धो दिया है, चलते हैं। तो गाइस फाइनली हमने नीलकंठ जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम घर जाने वाले हैं। तो हमारी गाड़ी सामने है और हम जा रहे हैं बैठने के लिए भाई, क्योंकि थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और आप पहाड़ चेक कर लो यार, ये देख रहे हो भाई, बारिश के समय में तो यहाँ के लोगों की पूरी हालत बेकार करती है, क्योंकि वो जो नीचे दिख रहे हैं इन्होंने भाई खेती सी कर रखी है नीचे, पता नहीं क्या होगा इन लोगों क्या नहीं। तो आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय। जी करदा कब ताना हाँ दे जलसे ते नचने जो मेरा आज जी करदा जी करदा।